21वीं सदी में जहां आज भी गांव में दबंगों की दबंगई समय समय पर सामने आती रहती है, इसी कड़ी में कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के गांव आरबीरा का है, जहां गांव के कुछ दबंगों के द्वारा गांव के उप सरपंच देवजी निर्मलकर एवं उनके परिवार को ही गांव से विगत कई महीनों से बहिष्कृत कर दिया गया। पूरा मामला नदी के पानी के सिंचाई से जुड़ा है, जहां गांव के दबंग कन्हैया लाल कंवर, नोहर सिंह मंडावी, सुजान सिंह खांडे द्वारा पीड़ित परिवार को गांव में मीटिंग बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं गांव से बहिष्कृत किए जाने के बाद से पीड़ित परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए भी गांव से बाहर जाना पड़ता है। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा डोंगरगढ़ पुलिस थाना और SDOP कार्यालय में की गई थी, जिसके बाद SDOP डोंगरगढ़ चंद्रेश सिंह ठाकुर द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई। परंतु जब गांव के तथाकथित दबंगों से मीडिया ने चर्चा करनी चाहिए तो वे कैमरों से बचते हुए SDOP कार्यालय से चले गए। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि SDOP कार्यालय में मिली समझाइश के बाद महीनों से चल रहा ये मामला अब शांत होता है, या फिर गांव के तथाकथित दबंगों के द्वारा पीड़ित परिवार को आगे भी कुछ नए पैंतरे खेलकर प्रताड़ित किया जाता रहेगा। डोंगरगढ़ से संवाददाता अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट। ये आरवीरा गांव का एक मामला था, इसमें दो पक्ष थे। जो गांव में बैठक लिया गया था, ये बेसिकली पानी को लेके मुद्दा था कि ग्रामीणों का एक था कि ग्रामीण जो गर्मी के समय है पानी सूख जाता है, तो उसको एक युक्तियुक्त रूप से उसका उपयोग किया जाए ताकि सबको पानी मिल सके। तो इसी बात पे थोड़ा सा पंचायत जो गांव में बैठी थी उसी को लेकर थोड़ा सा एक पक्ष में विवाद था कि पानी उपयोग गर्मी में कर लिए थे ग्राम की अनुमति के बिना, तो जिसके कारण गांव के लोग उनसे कटे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो गांव के लोगों को समझाया गया दोनों पक्षों को और वो सहमत हो गए हैं कि अगला जो गर्मी आएगा उसमें वो जो पानी है युक्तियुक्त रूप से उपयोग किया जाएगा और किसी की परेशानी ना हो। मामला यह है सर कि गांव वाले लोग नदी से पानी लिए हैं करके मेरे को मतलब गांव से बहिष्कृत कर दिए। तो मेरा कहना यह है कि गांव में अन्य किसान लोग जो पानी सिंचाई कर रहे हैं उनको भी मना करिए। तो ये लोग गांव के अन्य किसान हैं, उन लोग को कुछ नहीं बोल रहे थे, अकेला मेरे ऊपर एक्शन करके मेरे गाँव से प्रताड़ित करके बहिष्कृत कर दिए। चार पाँच महीने से ऐसी मतलब प्रताड़ित जिंदगी जी रहे हैं गाँव में। किस टाइप से बहिष्कार किया गया आपको? कि गांव में मतलब कोई मतलब हम से बात नहीं करते हैं, ना काम वाम भी नहीं करते हैं, ना हम किसी भी काम करने जाते हैं, ना हमारे में वो लोग काम करने आते हैं, ना वो लोग हमसे बातचीत करते हैं, कुछ नहीं मतलब। तो आज आप यहां पहुंचे थे SDOP ऑफिस यहां मतलब आवेदन, उसके बाद यहां SDO ऑफिस में आवेदन किए थे तो निराकरण करने के लिए आज नोटिस दिए थे आज के दिन 29 तारीख के। क्या बात है? तो यहां बात गाँव वाले विपक्ष वाले से बोले हैं कि आप जाके मतलब इनको मतलब गांव में मीटिंग करके बताइए कि सब ठीक ठाक हो गए हैं करके, अगर नहीं होता है तो फिर मेरे को फ़ोन करके बताइएगा ऐसे करके। नाम बता दीजिए। देवजी निर्मलकर, उप सरपंच, पारागांव कला। मामला था ये, इसमें छोटी सी बात का, नदी में पानी, ग्रामवासी नदी में पानी बांधे हुए थे, उसमें से चना फलाने के लिए, चना में डालने के लिए देवजी प्रयोग किया है। उसके साथ साथ रेंगे कठरे भी दो तीन लोग वहाँ के लोग भी पानी डाले हैं। तो सिर्फ गांव वाले लोग हमारे निस्तारी पानी को, नहाने के जो पानी है उसको आपने डोली में डालकर ख़त्म कर दिया, बस यही छोटी सी बात ही बात हुआ है। कल गांव में बैठक भी हुआ था सुनने में? हाँ, कल रात्रि में यहां से जैसे नोटिस गया तो इन लोग रात्रि में बैठक किए थे और सभी लोगों ग्रामवासियों को बताए हैं चर्चा करके। क्या निकला बैठक होने पर? यही जाना है, डोंगरगढ़ जाना है ऐसा करके। अब डोंगरगढ़ से नोटिस आया है तो हम लोग जाएंगे, समस्त ग्रामवासियों को सूचना दिया है मीटिंग करके। नाम बता दो। मेरा नाम शिव कुमार नंदेश्वर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.